हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी फोरम। स्टडी फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम वीपीएन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। वीपीएन क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ यूज़ जो जो भी होते हैं हम इसको देखेंगे। हमने डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे जितना संभव हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत शॉर्ट में रहे। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीपीएन इज़ एब्रीविएटेड एज, यानी कि वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए बिना देर करते हुए मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। आंसर इसका सी, सॉरी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज़ अ राइट आंसर। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, देख लीजिए क्या क्या होता है। देखिए, वीपीएन क्या होता है कि टेक्निक यूज्ड इन नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में ये टेक्निक यूज़ होती है। ख़ास करके हम सिक्योरिटी प्राइवेसी से रिलेटेड इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, प्रोवाइड्स एज एन आइसोलेटेड टनल अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा प्राइवेटली एज इफ द कंप्यूटिंग डिवाइस वेयर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्राइवेट नेटवर्क। ये कह रहा है कि वो इन चारों में से कौन सी टेक्निक है जो हमें एक आइसोलेटेड टनल प्रोवाइड करती है, जहाँ पर डेटा हम रिसीव करते सेंड करते हैं प्राइवेटली किसी डिवाइस से जो प्राइवेटली कनेक्टेड हो, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू क्लासिफाई वीपीएन सिस्टम, यानी कि वीपीएन सिस्टम को ये क्या क्लासिफाई नहीं करता है। चार ऑप्शन है, प्रोटोकॉल यूज फॉर टनलिंग द ट्रैफिक, वेदर वीपीएन आर प्रोवाइडेड साइड टू साइड रिमोट एक्सेस नेटवर्किंग, सिक्योरिंग द नेटवर्क फ्रॉम बोट्स एंड मालवेयर्स, लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा प्राइवेटली। अगर पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे, उसकी डिटेल जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी, अगर उसको आपको ध्यान से देखे होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी यहाँ पे डी कनेक्ट हो जा रहा है, सी इज़ अ राइट आंसर, सिक्योरिंग द नेटवर्क फ्रॉम द बोट्स एंड मालवेयर। देखिए इसका एक्सप्लेन देख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वीपीएन सिस्टम हैव अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, यानी कि वीपीएन सिस्टम जो होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है गाइज, अगर इसको जानना हो तो आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रोटोकॉल की पूरी वीडियो हमने बना रखी है, क्या होते हैं प्रोटोकॉल सब आपको समझ में आ जाएगा। तो वीपीएन सिस्टम हैव अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉर टनलिंग द ट्रैफिक, सिक्योर रिमोट एक्सेस कनेक्टिविटी एज वेल एज द मेक श्योर हाउ मेनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर प्राइवेट डेटा कम्युनिकेशन। कहने का मतलब क्या है इसका, कि हमें ये पूरी तरीके से एक सिक्योरिटी प्राइवेट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल आर यूज्ड इन वीपीएन, वीपीएन में किस टाइप का प्रोटोकॉल यूज होता है। ऑप्शन ए, एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल, टनल लेवल प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड मेलिंग प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए, एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल इज़ अ राइट आंसर। इसका देख लीजिए डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ऑल टाइप्स आर वीपीएन्स आर फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टनलिंग प्रोटोकॉल एज वेल दैट इनक्रिप्शन टेक्निक फॉर मेंटेनिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो होता क्या है कि जितनी भी वीपीएन्स होती हैं वो हमें क्या प्रोवाइड, इनक्रिप्शन टेक्निक यूज़ करी जाती है, जो हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन होता है एक तरीके की टेक्निक जहाँ पे हमारी डेटा को डिकोड और कोड एक कोड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर बाद में सिस्टम उसको डिकोड करता है, तब वो रीडेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर टाइप्स ऑफ वीपीएन, यानी कि वीपीएन कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीपीएन टू टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है कि रिमोट एक्सेस वीपीएन होता है, दूसरा साइड टू साइड वीपीएन होता है। अब देखेंगे कि वीपीएन और दोनों में अंतर क्या होता है। रिमोट एक्सेस वीपीएन आर यूज्ड बिजनेस एंड होम यूजर्स के लिए यूज़ करते हैं, साइड टू साइड वीपीएन आर मेनली यूज कंपनीज एंड फर्म डिफरेंट ग्राफिकल लोकेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड टू साइड वीपीएन्स आर आल्सो नोन एज अ, साइड टू साइड वीपीएन जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
राउटर टू राउटर वीपीएन कहते हैं, साइट टू साइट वीपीएन को। अब साइट टू साइट वीपीएन क्या होता है, हम इसको देखते हैं क्या होता है। देखिएगा, साइट टू साइट वीपीएन आल्सो नोन एज अ राउटर टू राउटर वीपीएन, यानी कि साइट टू साइट वीपीएन जो होता है उसी को हम राउटर राउटर वीपीएन करते हैं। दे आर मेनली यूज इन कंपनीज एंड फॉर्म विद डिफरेंट ग्राफिकल लोकेशन, ये डिफरेंट ग्राफिकल लोकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप्स ऑफ वीपीएन आर यूज फॉर होम, प्राइवेट एंड सिक्योर कनेक्टिविटी। देखिए, अगर पहला क्वेश्चन आपने सही से किया होगा, पहला क्वेश्चन नहीं, दूसरे तीसरे क्वेश्चन में था जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ वीपीएन पढ़े थे, तो उसी में कि होम, प्राइवेट होम एंड सिक्योर कनेक्टिविटी के लिए, यानी हम पर्सनल यूज़ के लिए अगर यूज़ करते हैं तो कौन सा वीपीएन यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिमोट एक्सेस वीपीएन, ऑप्शन ए। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। देखिए, रिमोट एक्सेस वीपीएन अलाउज इंडिविजुअल यूज़र टू कनेक्ट टू प्राइवेट नेटवर्क एट होम एक्सेस रिसोर्स रिमोटली, यानी कि क्या कहते हैं कि जो हमारा रिमोट एक्सेस वीपीएन जो होता है, हम उसको इंडिविजुअली भी यूज़ करते हैं किसी प्राइवेट नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वीपीएन आर यूज्ड फॉर कॉरपोरेट कनेक्टिविटी अक्रॉस कंपनीज रेजिडिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। आप ऑप्शन कर चुके होंगे इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट टू साइट वीपीएन। हमें भी देखा था अगला क्वेश्चन, इसके पहले क्वेश्चन एक थे इसी में हमने पढ़ लिया था, तो फिर भी देख लेते हैं क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन। साइट टू साइट वीपीएन आर आल्सो नोन एज अ राउटर वीपीएन, विच इज आर टिपिकली यूज इन कंपनीज एंड फर्म फॉर कनेक्टिंग रिमोटली डिफरेंट ब्रांचेस विद डिफरेंट ग्राफिकल लोकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, साइड टू साइड वीपीएन आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइड टू साइड वीपीएन आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज, ये क्या कहलाता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाता है, एक्स्ट्रानेट बेस्ड वीपीएन। एक्स्ट्रानेट बेस्ड वीपीएन क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें उसी तरीके की बात किया गया है जो हमें लास्ट क्वेश्चन किए थे। साइड टू साइड वीपीएन आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज अ एक्स्ट्रानेट बेस्ड वीपीएन बिकॉज these type of VPNs are typically used in connected firm externally between different branches of same company. Next question करते हैं, there are types of VPN protocol। देखिए, अब ये है क्वेश्चन protocol से related। अब protocol क्या होते हैं, मेरी video जा करके description box में मैं उसका link दे दूँगा, अदरवाइज आप playlist में जाकर देख सकते हैं। protocol की एक अलग separate video बनी है, details में protocols क्या होते हैं, कितने types होते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। अभी हम question पढ़े थे कि VPN कितने types के होते हैं, तो VPN हम जो पढ़े थे, VPN हमने पढ़ा था कि VPN 2 types के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर पूछ रहा है VPN protocol, ये 6 प्रकार के होते हैं। आप 6 के नाम देख सकते हैं, 6 types के होते हैं, यहाँ पे है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सिक्योर कनेक्शन रिमोट एक्सेस वीपीएन रिले ऑन, दोनों में फीड करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गाइस, ऑप्शन ए, आईपी सिक्योरिटी एंड एसएसएल। एसएसएल होता है सॉकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर। आईपी फॉर सिक्योर कम्बिनेशन कनेक्शन ओवर पब्लिक नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन हाइड यूज़र ब्राउजिंग एक्टिविटी, यानी कि इसमें, सॉरी ये राइट आंसर नहीं था, इसमें है क्या कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन हाइड यूज़र्स ब्राउजिंग एक्टिविटी, इसमें से हम क्या यूज़ करके किसी भी यूज़र की ब्राउजिंग एक्टिविटी को हाइड कर सकते हैं, फेयरवेल, एंटीवायरस, इनकॉग्निटो मोड या वीपीएन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीपीएन। देखिए लिखा है कि VPN are used for hiding user browsing activity and maintain anonymity. Anonymity क्या होता है, देखिए pronunciation में अगर दिक्कत हो, sorry, ये होती है गोपनीयता, कि आपकी गोपनीयता बना रहे। This also helps the preventing user personal browsing data leakages and protect leakages of browsing habits. Guys, उम्मीद है कि आपको वीडियोज़ अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है,
कोई बात नहीं, अभी अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, जिस टॉपिक पे आप कहेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनेंगे। कई सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं इन इन टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैं उन टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जिन पे कमेंट्स मुझे आए हैं, उसके बाद मैं अदर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अब क्वेश्चन है, इनमें से क्या है मास्क योर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का मास्क का मतलब क्या है कि आपके आईपी एड्रेस को सिक्योर बनाना, वो कौन करता है? वीपीएन। एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन ये है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑल्सो यूज फॉर हाइड यूज़र फिजिकली लोकेशन, यानी कि उसकी फिजिकली लोकेशन को भी ये हाइड करता है, वो कौन होता है? वीपीएन के थ्रू। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, सेम वही है जैसे हमने आपको भी लास्ट क्वेश्चन में बताया था। वीपीएन आर यूज फॉर हाइडिंग योर फिजिकल लोकेशन विद द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग एनोनिमिटी, यानी कि आपकी गोपनीयता को बनाते हुए। यूजिंग आईपी एड्रेस एंड ब्राउजिंग हैबिट्स लिंक सर्च योर फिजिकल लोकेशन कैन बी ट्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग वीपीएन वी कैन एक्सेस, वीपीएन का यूज़ करके हम क्या एक्सेस कर सकते हैं? एक्सेस साइट दैट ब्लॉक जियोग्राफिकली कंपनीज, कंप्रोमाइज अदर सिस्टम रिमोटली, हाइड पर्सनल डेटा इन द क्लाउड, इनक्रिप्ट योर्स लोकल ड्राइव्स फाइल्स वाइल ट्रांसफरिंग। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, सॉरी, एक्सेस साइट दैट आर ब्लॉक्ड फिजिकली, हम वीपीएन का यूज़ करके ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीपीएन्स आर इनक्रिप्शन, मतलब वीपीएन यूज इनक्रिप्शन टेक्निक्स टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कम्बिनेशन विच कम्युनिकेटिंग्स रिमोटली वाया पब्लिक नेटवर्क। ये ट्रू है फॉल्स आप बताइए, इतनी क्वेश्चन हमने किए हैं, आई होप आप इसका आंसर दे सकेंगे। इसका आंसर है ट्रू। देखिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन है कि सॉरी इसका आंसर होगा ट्रू। ऑल वीपीएन्स आर फॉर्म विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ टनलिंग प्रोटोकॉल एज वेल एज इनक्रिप्शन टेक्निक्स फॉर मेंटेनिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यानी कि वीपीएन जो फॉर्म होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टनलिंग प्रोटोकॉल से कम्बिनेशन होकर बनता है, एज वेल एन इनक्रिप्शन टेक्निक यूज़ करते हैं जो कि मेंटेन करती है हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। गाइज आई होप ये 16 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो बताइएगा, इस वीडियो को मैं फिर से बना करके कर दूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आपको अपलोड मिल जाएगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक होगी मेमोरी साइज़ पे वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।